Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल हादी फाउंडेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम सफ़ा नंबर 92 पे दी गई सरगर्मियों को हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 1 है जो हमारे पास, वो है पढ़िए पढ़िए। इस सरगर्मी में आपको एक नज़म दी गई है जिसका नाम गुड़िया है। आपने इसको पढ़ने की मश करनी है। आइए नज़म को पढ़ते हैं। ये ज़ारा की गुड़िया है, ये ज़ारा की गुड़िया है, इस गुड़िया के काले बाल, इस गुड़िया के काले बाल, कपड़े इसके नीले हैं, कपड़े इसके नीले हैं, प्यारी प्यारी इसकी चाल, प्यारी प्यारी इसकी चाल, हरी हरी सी आंखें हैं, हरी हरी सी आंखें हैं, गाल हैं इसके लाल लाल, गाल हैं इसके लाल लाल, पीले पीले जूते इसके, पीले पीले जूते इसके, खाती है ये शौक से दाल, खाती है ये शौक से दाल। दोबारा नज़्म को पढ़ते हैं। ये ज़ारा की गुड़िया है, इस गुड़िया के काले बाल, कपड़े इसके नीले हैं, प्यारी प्यारी इसकी चाल, हरी हरी सी आंखें हैं, गाल हैं इसके लाल लाल, प्याले पीले पीले जूते इसके, खाती है ये शौक से दाल। ये हमने सरगर्मी नंबर 1 के मुताबिक नज़्म गुड़िया पढ़ने की मश की। अब सरगर्मी नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है लिखिए लिखिए। खाली जगह में रंगों के नाम लिखिए, जैसे बाल काले। आपने अभी जो नज़म पढ़ी उसके मुताबिक आपने दिए गए अल्फाज में आपने दुरुस्त अल्फाज लिखने हैं, यानी इस नज़म के मुताबिक। जैसे गुड़िया के बाल काले हैं, जूते इसके अभी आपने पढ़ा था कि पीले पीले जूते इसके, जूतों का रंग कौन सा है, पीला। यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई खाली जगह में, जूते पीले यानी पीले रंग के जूते हैं। आंखें हरी हरी सी आंखें हैं, गुड़िया की आंखें कैसी हैं, हरी। यहाँ पे हम लफ्ज़ लिखेंगे हरी, आंखें कैसी हैं, हरी। कपड़े, कपड़े इसके नीले हैं, कपड़े कौन से रंग के हैं, नीले रंग के। यहाँ पे हम लिखेंगे नीले। और आखिरी लफ्ज़ है जो हमारे पास, वो है गाल। गुड़िया के गाल कैसे हैं, गाल हैं इसके लाल लाल। यहाँ पे हम लफ्ज़ लिखेंगे लाल, गाल कौन से रंग के हैं, लाल। आपने भी इसी तरह इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। अब आपने जो काम खुद से करना है वो है आपने नारंगी, जामनी और गुलाबी लिखने की मश करनी है, यानी इन तीन रंगों के नाम आपने खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। यानी आपने इनको खुशखत भी लिखना है और इनको ज़ुबानी लिखने की भी कोशिश करनी है, नारंगी, जामनी और गुलाबी। अब हम सफ़ा नंबर 93 पे दी गई सरगर्मियों को हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 1 है जो हमारे पास, वो है लिखिए और रंग भरिए। लिखिए और रंग भरिए, दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए और खाली जगह में लिखिए। अभी जो मैंने आपको नज़म पढ़ाई गुड़िया, उसके मुताबिक आपने जो लफ्ज़ ठीक होगा दी गई खाली जगहों में आपने उस पर पहले दायरा बनाना है और दी गई खाली जगहों में लिखना है। सबसे पहला जुमला हमारे पास, गुड़िया के कपड़े डैश हैं, गुड़िया के कपड़े डैश हैं। अभी आपने पढ़ा था गुड़िया के कपड़े नीले हैं। हम लफ्ज़ नीले पर दायरा बनाएंगे और इसी लफ्ज़ को दी गई खाली जगह में लिखेंगे। नूनिए नी लाम्बड़िए ले नीले। अगला जो जुमला है हमारे पास, वो है गुड़िया की आंखें डैश हैं, हरी पीली नीली। गुड़िया की आंखें हरी हैं। यहाँ पे हम लफ्ज़ हरी के गिर दायरा बनाएंगे और लिखेंगे हरी खाली जगह में। सरगर्मी नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है सवालों के जवाब लिखिए। सवालों के जवाब लिखिए। इस सरगर्मी में आपने दिए गए सवालात को पढ़ना है और नज़्म के मुताबिक इन सवालात के जवाबात आपने लिखने हैं और ज़ुबानी याद करने हैं। सवाल नंबर 1 है जो हमारे पास, वो है ये गुड़िया किसकी है, ये गुड़िया किसकी है। आपने इस सवाल का जवाब नज़्म में पढ़ा था, ये गुड़िया ज़ारा की है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, इस गुड़िया के बाल कैसे हैं, इस गुड़िया के बाल कैसे हैं। इस सवाल का जवाब होगा, इस गुड़िया के बाल काले हैं, इस गुड़िया के बाल काले हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, इस गुड़िया की चाल कैसी है,
इस गुड़िया की चाल कैसी है? इसका जवाब होगा, इस गुड़िया की चाल प्यारी है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, ये गुड़िया शौक से क्या खाती है? ये गुड़िया शौक से क्या खाती है? इसका जवाब होगा, ये गुड़िया शौक से दाल खाती है। सरगर्मी नंबर 3 की जानी बढ़ते हैं, जो कि है लिखिए। लिखिए इस नज़म से हम आवाज़ अल्फाज की फहरिस्त बनाइए। अभी जो आपने नज़म गुड़िया पढ़ी, उसमें आपने एक जैसे यानी हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं। यहाँ पर दी गई खाली जगहों में बेलिफ बाल आम बाल, चेलिफ चाल आम चाल, लाम अलिफ लाल आम लाल, और दाल अलिफ दाल आम दाल। ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो इस नज़म में हम आवाज़ हैं, आपने इनको दी गई खाली जगहों में लिखना है और इस सफ़ा नंबर 93 को मुकम्मल करना है। अब हम सफ़ा नंबर 94 पे दी गई सरगर्मियों को हल करेंगे। सबसे पहली सरगर्मी है जो हमारे पास, वो है रंगों का किताबचा बनाइए, रंगों के नाम लिखकर तस्वीर बनाइए और वही रंग उन तस्वीरों में भरिए। नए रंगों के नाम लिखना सीखिए और इस किताबचे में शामिल कीजिए। इस सरगर्मी में जो हमें रंगों के नाम दिए गए हैं वो हैं नारंगी, जामनी, गुलाबी और सुनहरी। इन रंगों के नामों के अलावा आपने खुद से रंगों के नाम लिखने हैं और कुछ तस्वीर उनके सामने जो भी आपको इजी लगे वो बना के आपने उन तस्वीर में वही रंग भरना है जो आपने रंग यानी जिस रंग का आपने नाम लिखा होगा, जैसे सुर्ख, सबज़, नीला, पीला और भूरा। सबसे पहले आपने इन रंगों के नामों को कुछ खत लिखना है, उसके बाद इन रंगों के नामों के सामने आपने तस्वीर बनानी है और उन तस्वीर में वही रंग भरना है जो आपने नाम लिखा होगा। सरगर्मी नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं, जो कि है नज्म नगारी। नज्म नगारी, इस नज़म में से रंगों के नाम बदलकर अपनी नई नज़म बनाइए। अभी जो आपने नज़म पढ़ी गुड़िया, इसमें से आपने रंगों के नामों को तब्दील करके अपनी खुद से एक नई नज़म बनानी है। आइए नज़म लिखते हैं। ये ज़ारा की गुड़िया है, इस गुड़िया के भूरे बाल, कपड़े इसके पीले हैं, अच्छी इसकी चाल, अच्छी इसकी चाल, नीली सी आंखें हैं, नीली सी आंखें हैं, गाल हैं इसके गुलाबी। नीले जूते इसके खाती है, ये शौक से दाल। ये हमने सरगर्मी नंबर 2 के मुताबिक रंगों के नामों को तब्दील करके अपनी एक नज़म बनाई और इसको लिखने और पढ़ने की मशक की। आपने भी इस किताब के सफ़ा नंबर 94 पे इन 2 सरगर्मियों को इसी तरीके से हल करना है।